देखें खास समाचार आपके लोकप्रिय YouTube चैनल सूचना पल पल भट्टू में। समाचार व विज्ञापन के लिए संपर्क करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर अवश्य करें। देखते रहें भट्टू कलां खबर पिटारा। गांव खाबड़ा कलां से 57 बोतल देसी शराब सहित पुलिस ने एक को किया गिरफ्तार। गांव खाबड़ा कलां से पुलिस ने 57 बोतल देसी शराब सहित एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। वीरवार को मिली जानकारी के अनुसार पुलिस ने बुधवार को गांव खाबड़ा कलां में मुखबरी के आधार पर छापामार कार्रवाई को अंजाम दिया, जिस पर आरोपी जगतपाल निवासी खाबड़ा कलां अपने मकान के पास दो बैग जिनमें 57 बोतल देसी शराब रखे हुए था को पुलिस ने दबोचा। पुलिस ने आरोपी से परमिट मांगा जो कि वह नहीं दिखा पाया, जिस पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया है। भट्टू कलां क्षेत्र में लगातार दो दिन से हो रही बरसात, लोगों के घरों में घुसा पानी, लोग परेशान। भट्टू कलां क्षेत्र में लगातार दो दिन से हो रही बरसात के बाद वीरवार को हुई बरसात से लोगों के घरों में बरसाती पानी घुस गया, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। ट्रैक्टर की सहायता से लोग अपने घरों का पानी निकालते हुए नजर आए। अनेक गांव में बरसाती पानी के जल भराव से गांव की गलियां जलमग्न होकर रह गई और यहां पर नहर की भांति इसमें पानी बहता हुआ नजर आया। लोगों के घरों में 2 से 3 फुट तक पानी घुस गया। गांव ढांड में हनुमान मंदिर के पास कुछ घरों में पानी घुस गया। वहीं गांव पीली मंदोरी में भी हालात बद से बदतर हो नजर आए। गांव शेखपुर दड़ोली में सरकारी स्कूल के पास स्थित घरों में बरसाती पानी घुसने से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। गांव बनावाली में गलियों में बहते बरसाती पानी में बच्चे किश्ती बनाकर इस तरह से तैरते हुए नजर आए। गांव सर्वपुर मेवाड़ा सहित अनेक गांव में निचले इलाकों में बरसाती पानी के जल भराव होने से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। भट्टुकला क्षेत्र में बुधवार को हुई बरसात से यहां पहले ही हालात बदतर थे, वहीं वीरवार को हुई बरसात मूसलाधार बारिश ने लोगों की समस्या और बढ़ा दी। इस बरसात के बाद लोगों के खेत खलियान में खड़ी फसलें भी नष्ट होने के कगार पर पहुंच गई। खेतों में भारी जलभराव होने से जहां फसलों को नुकसान हुआ, वहीं खेतों में ढानियां बनाकर रह रहे लोगों के घरों के आसपास पानी भरे होने के कारण अनेक मकानों को भी खतरा बना हुआ है। इस बरसात के बाद लोग भारी परेशानी से जूझ रहे हैं। गाँव में हालात इस तरह से बने हुए हैं जहां से पानी की निकासी न होने के चलते यहां गलियां जलमग्न होकर रह गई हैं। भट्टू कलां में अखिल भारतीय किसान सभा ने ज्ञापन सौंपकर बरसात से बर्बाद फसल के मुआवजे की मांग की। भट्टू कलां में अखिल भारतीय किसान सभा ने वीरवार को नायब तहसीलदार के माध्यम से हरियाणा के मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर बरसात से बर्बाद फसल की गिरदावरी करवाकर मुआवजा दिलाने की मांग की है। अखिल भारतीय किसान सभा से किसान नेता कामरेड विष्णुदत्त शर्मा व विजय सिंह जाखड़ ने बताया कि भट्टुकला क्षेत्र में भारी बरसात के कारण किसानों को फसलें खराब होने से काफ़ी नुकसान हुआ है। बरसात से बर्बाद हुई इस फसल की स्पेशल गिरदावरी करवाकर किसानों को 50,000 रुपये प्रति एकड़ मुआवजा व मजदूर को परिवार के लिए 20,000 मुआवजा देने की मांग अखिल भारतीय किसान सभा ने प्रदेश सरकार से की है, ताकि इस विकट परिस्थिति में किसान व मजदूर के नुकसान की भरपाई की जा सके। इस अवसर पर सूरजमल जाखड़, रोहतास डूडी, मास्टर हनुमान सिंह, किशोर सिंह, प्रेम कुमार, विजय सिंह, निहाल सिंह, जय किशन, त्रिलोक चंद, मनोहर लाल, सतवीर सहित अनेक सदस्य उपस्थित थे। भट्टू कलां से गोरखपुर एक्सप्रेस रेलगाड़ी को सिरसा तक विस्तार करने की उठाई गई मांग। भट्टू कलां से वीरवार को उत्तर पश्चिम रेलवे जयपुर मंडल रेल उपभोक्ता परामर्शदात्री समिति सदस्य ब्रह्मानंद गोयल ने रेलवे महाप्रबंधक व मंडल रेल प्रबंधक को पत्र लिखकर गोरखपुर धाम एक्सप्रेस रेलगाड़ी को सिरसा तक विस्तार करने की मांग की। उन्होंने अपनी मांग करते हुए कहा कि जनहित में गाड़ी संख्या 12,555 12,556 गोरखपुर धाम को सिरसा तक विस्तार करने 14,755
14756 श्री गंगानगर से बठिंडा के बीच चलने वाली गाड़ी का हिसार तक विस्तार कर 14833 14834 जयपुर हिसार में मर्ज कर एक ही रेलगाड़ी श्री गंगानगर से जयपुर के बीच वाया सिरसा हिसार रेवाड़ी अलवर चलाई जावे। उन्होंने कहा कि इन गाड़ियों के चलने से यात्रियों को काफ़ी फायदा होगा।